सोनिया रूडी, एमडी डिफेंस स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बहुपद, जो भी हमारी एक्स की टर्म्स में कोई भी इक्वेशंस होती हैं, उन्हें हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। उसमें हमारे पास डिपेंड करता है कि जो टर्म्स है, कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म्स वर्क में आती है, इक्वेशंस आती है हमारे पास, इक्वेशंस में एक्स की जो पावर है वो हमेशा एक कॉन्स्टेंट टर्म्स होनी चाहिए, वो हमेशा हमारी एक कॉन्स्टेंट टर्म्स होनी चाहिए। लाइक ए एक्स की थ्री प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, एक्स की जो पावर गिवन है वो हमारी कॉन्स्टेंट टर्म्स है, तो इज एन ए पॉलिनोमियल। यदि यही पे हम ये कहते टू एक्स की थ्री प्लस थ्री रूट एक्स प्लस सेवन, यहां पे जो x की पावर कॉन्स्टेंट थी, बट यहां पे x की पावर नॉट कॉन्स्टेंट, क्योंकि यहां पे रूट का मतलब है x की पावर, रूट का मतलब है x की पावर वन बाय टू, नॉट एन कॉन्स्टेंट, वहां पे तो फ्रैक्शन होगी। मैंने बताया था जहां पे x की पावर ओनली फॉर कॉन्स्टेंट टर्म्स है, उन्हें हम पॉलिनोमियल बहुपद कहते हैं। यदि हम इसी को लें, जैसे फाइव एक्स की फोर प्लस में थ्री एक्स की थ्री प्लस फोर एक्स प्लस सेवन, यहां पे हमने x की पावर वन है मतलब x की पावर थ्री है, x की पावर फोर है, तो यहां पे x की जो पावर्स हैं गिवन है वो कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं, कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं, तो वहां पे हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। यदि यहां पे क्वेश्चन ऐसे होता वन बाई में टू एक्स का स्क्वायर प्लस में सेवन एक्स प्लस थ्री, तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, वन बाई है, वन बाई है तो मतलब क्या है, फ्रैक्शन में है, और यहां पे यदि हम इस पावर्स को अपर लेके चलते हैं तो x की पावर माइनस में हो जाएगी, तो इसीलिए हम बहुपद नहीं बोल सकते, ये हमारा बहुपद पॉलिनोमियल नहीं है। यदि इसी टर्म्स को हम ऐसे दे दें टू एक्स की फोर प्लस में थ्री एक्स की माइनस टू प्लस सेवन, यहां पे हमारे पास टर्म माइनस में है, तो इज नॉट एन पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है, जो एक्स की पावर नेचुरल नंबर से स्टार्ट हो, वन टू थ्री फोर फाइव अप टू इंफिनिटी, कहीं तक भी हो, जो पावर्स में हो, एक्स की वाई की जो भी हमारी चर संख्याएं होती हैं, इक्वेशंस में होती हैं, उनकी पावर यदि कॉन्स्टेंट टर्म्स में है तो उसे हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, और यदि उनकी पावर हमारी माइनस में है, फ्रैक्शंस में है, डेसिमल्स में है, आर नॉट पॉलिनोमियल। जो हमारा पॉलिनोमियल है उसको हमने फोर पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल मतलब रैखिक बहुपद या रैखिक समीकरण, जिस समीकरण की मैक्सिमम पावर वन होती है उसे हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। जैसे लाइक हम देखते हैं यहां पे ए एक्स प्लस बी या सी मैक्सिमम पावर क्या है, वन है, तो मैक्सिमम पावर वन है तो वन। कई बार हमारा वन मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है इन ए लीनियर इक्वेशन हाउ मेनी सोल्यूशन, तो लीनियर इक्वेशन है तो वन सोल्यूशन, यदि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो टू सोल्यूशन, और यदि हमारी क्यूबिक इक्वेशन है तो थ्री सोल्यूशन, और यदि हमारी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या इक्वेशन है तो हमारे फोर सोल्यूशन होते हैं। मतलब पावर वन है तो वन सोल्यूशन, पावर टू है तो टू सोल्यूशन, पावर थ्री है तो थ्री सोल्यूशन, और पावर फोर है तो फोर सोल्यूशन। तो हमारे पास से जैसे हमने दे दिया टू एक्स प्लस थ्री मैक्सिमम पावर क्या है, वन है, तो उन इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। यदि हमारे पास फिर आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक नाम से पता चलता है, जिसकी मैक्सिमम पावर, जिस इक्वेशंस की मैक्सिमम पावर टू होती है उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जैसे लाइक ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ सी मैक्सिमम पावर क्या है, टू है, चाहे ये कैसे भी हो टू एक्स प्लस फोर प्लस एक्स की टू मैक्सिमम पावर क्या है, चाहे वो आगे हो पीछे हो कहीं भी हो, जिस इक्वेशंस की कंप्लीट इक्वेशन में मैक्सिमम पावर टू है उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम थर्ड पॉइंट से पहुंचते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक इक्वेशंस या त्रिघात समीकरण, उसमें हमारे पास ए एक्स की थ्री प्लस में बी एक्स का स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस ऑफ डी इक्वल टू जीरो, जिसकी मैक्सिमम पावर थ्री होती है उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल या त्रिघात समीकरण कहते हैं। फिर आते हैं हमारे पास द्विघात समीकरण या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जहां पे मैक्सिमम पावर ए एक्स की फोर प्लस बी एक्स की थ्री प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ डी एक्स प्लस ई इक्वल टू जीरो, जिसकी मैक्सिमम पावर फोर होती है उसे हम बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं।
यहां पे हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हमने 8th क्लास में पढ़े हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हमने 9th क्लास में स्टार्ट कर चुके थे। अभी हम क्वाड्रेटिक और जो हमारे पास पॉलीनोमियल चैप्टर है उसके बारे में हम पूरा डिस्कस ब्रीफली करते रहेंगे। अब हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, द्विघात समीकरण क्या है और उसके रूल्स क्या 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 यूज होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल या द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हमने यहां पे लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ सी, जिसकी मैक्सिमम पावर 2 थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। इसमें हमारा एक वर्किंग आती है, यहां से हम एक डी निकालते हैं, डी डिस्क्रिमेंट, इंग्लिश में हम डिस्क्रिमेंट बोलते हैं, हिंदी में उसको विभक्तर बोलते हैं। उसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, मीनिंग लाइक जैसे हमारे पास आ गया 2x स्क्वेयर प्लस का 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। यदि हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है डी, तो बी हमारे पास 3 था, यहां पे ए बी सी, बी का स्क्वेयर माइनस फोर, ए का मान हमारा 2, सी का मान हमारा सी, 3 का स्क्वेयर हमारा 9, 4 टू 8, 8 और 7, 56। तो यहां से हमारे पास माइनस की टर्म आ गई, माइनस की हमारे पास आ गया 47, इज एन डिस्क्रिमेंट। जो हमारा डिस्क्रिमेंट होगा वो भी हमारा डिपेंड करता है कि वो डिस्क्रिमेंट हमारा रियल है, इमेजिनरी है, नॉट रियल है, क्या है। अब हम उसके बारे में, जब हमारी डी की वैल्यू आती है, डिस्क्रिमेंट की वैल्यू आती है डी की, वो हमारा 3 टर्म्स में डिपेंड करता है, 3 टर्म्स में। इफ वैल्यू ऑफ डी ग्रेटर देन 0, वैल्यू ऑफ डी ग्रेटर देन 0, तो हम बोलेंगे यहां पे जो हमारे रूट्स हैं, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। हमारे मूल वास्तविक हैं तथा भिन्न भिन्न है, तथा भिन्न भिन्न है। यदि हम बोलते हैं d की वैल्यू इज इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 0, जब हमारी वैल्यू इक्वल टू कंप्लीट के कंप्लीट 0 के इक्विवेलेंट आ जाएगा, तब हमारे पास जो रूट्स हैं, जो रूट्स हैं हमारे, जीरोज हैं, आर रियल एंड इक्वल, मीनिंग जो हमारे वास्तविक होंगे वे समान भी होंगे, बराबर होंगे। जो हमारे रूट्स आएंगे वो हमारे रियल हैं एंड इक्वल हैं, दोनों के दोनों सेम आ जाएंगे। तो हमारे पास थर्ड जो इसका पॉइंट है, यदि हमारी जो d की वैल्यू आती है वो लेस देन आती है 0 से, मीनिंग लेस देन 0 का मतलब है माइनस की आती है, माइनस की होगी तभी लेस देन होगी 0 से। तो यदि वो हमारी माइनस की आती है तो हम ऐसे रूट्स को बोलेंगे नॉट रियल रूट्स, कई दफा नॉट डिफाइंड बोल सकते हैं, नॉट रियल रूट्स। एंड कंजुगेट पेयर्स, यदि हम कंप्लीट करना चाहें तो काफी चल जाता है, नॉट रियल, नॉट रियल एंड कंजुगेट पेयर्स, या डायरेक्ट वे में हम इमेजिनरी एंड कंजुगेट पेयर्स बोल सकते हैं। जो रियल नहीं होते उन्हें हम, उन टर्म्स को हम इमेजिन नंबर बोलते हैं, वो हमने नंबर सिस्टम का जो पार्ट किया था उसमें मैंने बताया था। तो हमारे पास ये डी के लिए होता है। जब हम डिस्क्रिमेंट निकालते हैं तो उससे आगे हमारा क्या प्रोसेस, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, डिस्क्रिमेंट से आगे हमारा क्या प्रोसेस है। देखिए जब हमारा चैप्टर हो जाएगा, मैं आज
डिस्क्रिप्टिव में भी डालूंगा और साथ में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं हमारे से जुड़े हुए हैं उनके पास बाया व्हाट्सएप क्वेश्चंस आएंगे, कृपया उन क्वेश्चंस को आप ट्राई करें, फिर उन क्वेश्चंस के हम लाइव होके लाइव का टाइम दे दिया जाएगा आपको, आप मैसेज में यदि व्हाट्सएप इसके अंदर आपके मैसेज में डाल के हमने क्वेश्चन में डाउट है तो लाइव का टाइम होगा उस टाइम आपके डाउट दे दिए जाएंगे। अब हमारे पास हमने यही इक्वेशन की ए एक्स स्क्वायर ऑफ प्लस बी एक्स प्लस ऑफ सी इक्वल टू जीरो, तो यहां पे हमने डी निकाल लिया था, डी का हमारा फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी हो गया था। कई दफा फिर हमारे से पूछा जाता है सम ऑफ द रूट्स ऑफ रूट्स मूलों का योग पर, या इसको डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला होता है हम अपना माइनस बी बाय में ए, या गुणज एक्स के नीचे में हम गुणज एक्स, ये हमारे पास मूलों का योग पर समुत्तर रूट्स आ जाएगा। यदि उसके बाद हमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ज्ञात करना हो, मूलों का गुणनफल ज्ञात करना हो, तो हमारे पास प्रोसीजर क्या रहेगा? हमने अभी ज्ञात करना है मूलों का गुणनफल, तो उसके लिए हम प्रोसीजर देखते हैं क्या प्रोसीजर आता है। यदि हमारे पास होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो हमारे पास फॉर्मूला सी अपॉन में ए। लाइक हम इनका क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए मैंने यहां पे दे दिया टू एक्स स्क्वायर प्लस में फोर एक्स प्लस सेवन इक्वल टू जीरो, क्वेश्चन आएगा फाइंड द सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, मीनिंग मैंने बताया ए एक्स स्क्वायर का ए बोल दीजिए, ये बी बोल दीजिए सी, तो माइनस बी बाय में ए, टू जा टू 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 जा फोर, तो हमारा सम ऑफ द रूट्स आया माइनस टू। फिर हमारा प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला हमारा सी अपॉन में ए, सी का मतलब कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म हमारी सेवन है, और बाय में एक्स स्क्वायर जो ए है वो टू, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यहां से हो जाएगा। फिर यदि हम इसी में प्रोसीजर में आगे बढ़ते हैं, कई दफा हमें इक्वेशन फाइंड करने के लिए पूछता है, फाइंड द इक्वेशन, इक्वेशन फाइंड करने के लिए पूछेगा, तब हमें ध्यान रखना है कि वो हमें सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट गिवन होंगे, वहां पे हमें सम ऑफ द रूट्स गिवन होगा और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स गिवन होगा, कि हमारे पास गिवन टर्म्स है उसके लिए हमें फाइंड करना होगा। तो अभी हमारे पास यदि हमें अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल हमें s मान लीजिए s गिवन है, फिर हम अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मान लीजिए t गिवन है, और ये हमें क्वेश्चन पूछता है इक्वेशन फाइंड करो, इक्वेशन बनाइए, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस, एस मतलब सम ऑफ द रूट्स, एस एक्स प्लस पी इक्वल टू जीरो, सम ऑफ रूट्स पी मीनिंग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, पी मीनिंग प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, एस मीनिंग सम ऑफ द रूट्स, तो हमारे पास ये इक्वेशंस फाइंड, इक्वेशन फाइंड करनी है सम ऑफ द रूट्स फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करना है, या हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होता है, डिस्क्रिमिनेंट से हमें रूट्स की प्रकृति पता चलती है कि वो हमारे रियल हैं, इमेजिनरी हैं, या इक्वल रूट्स हैं। उसके बाद यदि हमारे पास यही टर्म्स क्यूबिक इक्वेशन में आती है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में था, यदि हमारी यही इक्वेशन इस फॉर्म में आती है ए एक्स की थ्री प्लस ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ सी एक्स प्लस ऑफ डी जीरो, त्रिघात समीकरण या क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल दो या क्यूबिक इक्वेशन बोल दीजिए, यहां पे हमारे पास वही, देखिए मैंने बताया था यदि हमारी लीनियर इक्वेशन है तो हमारा वन सॉल्यूशन होता है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो टू सॉल्यूशन थे, और यदि क्यूबिक है तो हमारे तीन सॉल्यूशन होंगे अल्फा, बीटा और गामा, जो हमें स्टार्टिंग में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वही सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ रूट्स फाइंड करना आ जाए, तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा माइनस बी बाय में ए, मीनिंग जो हमारे एक्स स्क्वायर के गुणज हैं और जो नीचे हमारे पास एक्स की थ्री के गुणज हैं। यदि हमें ये तो वर्किंग हुई, फिर इसमें अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, यदि हम प्रोडक्ट्स का सम फाइंड करना आ जाए तो हमारे पास फॉर्मूला होता है सी अपॉन में ए, मीनिंग एक्स के गुणज बाय में एक्स की क्यूब के गुणज, ये हो जाएगा। यदि हमारे पास जो थर्ड पार्ट में पहुंचते हैं, हमें पूछता है अल्फा बीटा गामा, मीनिंग प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तीनों के प्रोडक्ट करने हैं, तो वही सेम का वर्किंग जो हमारी कॉन्स्टेंट टर्म्स है बाय में ए, जो बाय में हमारे पास सॉरी बाय में हमारे पास बी, मीनिंग कॉन्स्टेंट टर्म्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और भी माइनस। डिफेंस स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका